हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानम। यहाँ पे जो हमारी अभी ज्योग्राफी की सीरीज चली है, उस सीरीज में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रास्ट टोपोग्राफी जो है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्रास्ट टोपोग्राफी में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रास्ट टोपोग्राफी होती क्या है। उसके अलावा जो कुछ की टर्म्स है जो इसको समझने में हमें मदद करेंगी, उन टर्म्स को देखेंगे। उसके अलावा देखो, इमेज के साथ ज्यादा समझ आएगा, हम विजुलाइज कर पाएंगे चीजों को, इसीलिए सारी की सारी यहाँ पे मैपिंग और इमेज भी हम देखेंगे कि ये टर्म जो है क्रास्ट, इसका मतलब क्या है और ये आई कहां से। हर एक टर्म का एक ना एक सोर्स ऑफ ओरिजिन रहता है, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है वो देखने वाले हैं। उसके अलावा ये होता क्यों है, इस तरीके के लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं और क्यों है। अक्सर आपने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश अगर करी है तो आपको देखने को मिला होगा कि ये अच्छे से समझ नहीं आता है, टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। तो उन चीजों को आसानी से आसान शब्दों में यहां पे समझेंगे। उसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे कि भैया की जो ये इस तरीके की टोपोग्राफी है, इसमें कैसे कैसे लैंडफॉर्म होते हैं, इरोजनल है चाहे डेपोजिशनल है, एक एक करके उनको देखेंगे। सिंक होल, स्वेलो होल्स, ठीक है, वाला, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे, डोलाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा, एक पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। आज की यानी पहली जो क्लास है, इस क्लास में हमारा मकसद ये रहेगा कि ये समझें कि क्रास्ट टोपोग्राफी है क्या। उसके अलावा हम क्या समझें कि जो ये क्रास्ट टोपोग्राफी है, ये बनती कैसे है, ये क्रास्ट नाम कहां से आया। अब लैंडफॉर्म और टोपोग्राफी में क्या फर्क है, इस पे भी थोड़ी देर हम लोग लाइट डालेंगे। उसके अलावा इस टोपोग्राफी में कितने लैंडफॉर्म है, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, इनको एक एक करके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। जो पहली चीज, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूं, शब्दों को तोड़ो। ये शब्द जो है हमें इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आम जिंदगी में या रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का इस्तेमाल देखने को हमें नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि इन शब्दों को आप पहचानने लगे, इनको जानने लगे, इनसे आपकी दोस्ती हो जाए, इनसे आपका दोस्ताना हो जाए, तो फिर आपको इन शब्दों को भूलने का डर दिमाग में नहीं रहेगा। बार बार समझने की या बार बार क्रैम करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, शब्दों को समझो, शब्दों को तोड़ो। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। यहां पे जो वर्ड है क्रास्ट वर्ड, ये आया कहां से, यकोस्लाविया की बात करें या फिर हम बात करें स्लोवेनिया की बात करेंगे, ट्रिसाइल बे की बात करेंगे, ये थोड़ा रुक जाते हैं। अभी यहां पे जो क्रास्ट वर्ड है, ये यहां पे हमने समझना है लाइमस्टोन। ये होता क्या है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, वैसे पढ़ा भी चुका हूं रॉक साइकिल में, लाइमस्टोन का एग्जांपल, सेडिमेंटरी रॉक्स अभी भी देखेंगे। लेकिन अभी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने क्या याद रखना है, क्रास्ट का मतलब है रॉक, चट्टाने, ठीक है, यहां पे चट्टाने, पत्थर और चट्टानों से मतलब है अभी के लिए। अब यहां पे जो दूसरा शब्द है टोपोग्राफी, इस शब्द को तोड़ो तो एक तुम्हारे पास शब्द आया टॉप और दूसरा आया ओग्राफी। तो मैं आपको डिटेल में बार बार बता चुका हूं, ग्राफी, ओग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग इन डिटेल, ठीक है, स्टडी। तो भैया ओग्राफी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। टॉप का मतलब क्या हो गया, टॉप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर यह धरती के क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्रस्ट कैसी है, क्रस्ट की शेप कैसी है, क्रस्ट का जो हम देखते हैं कि उसकी दिखने में अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, वो कैसे बनी है, इन सब चीजों को हम लोग टोपोग्राफी में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टोपोग्राफी है, इस तरीके में हम खास क्रास्ट टोपोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। और क्रास्ट के खास तरीके के पत्थर हैं जो लाइमस्टोन से बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, शब्दों को तोड़ के हमें इतना कुछ पता चल गया, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए शब्दों को तोड़ेंगे, यहां पे देखेंगे क्या लिखा है और उसको समझेंगे। या आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, अब इस आप डायग्राम को देखोगे तो यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, कुछ की पॉइंट दिखाई देंगे। जैसे यहां पे लिखा है लाइमस्टोन, यहां पे आपको दिखाई देगा अंडरग्राउंड वाटर, और यहां पे आपको कुछ गुफाएं बनी हुई दिखाई देंगी,
है ना। तो इस तरीके की चीजों को ही आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रास टोपोग्राफी को किस तरीके से किताबों में एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे आसान करके हम समझ सकते हैं। हमारा सारा का सारा मुद्दा यही है कि किताबों में जो लैंग्वेज है हमारी रोजमर्रा की लैंग्वेज से अलग है। हमारा जो सीखने में सबसे पहला बैरियर बन रहा है ये लैंग्वेज बन रही, इसको सिंप्लीफाई करके, एक तो ये हमारा मुद्दा है, दूसरा कि चीजों के पीछे, जैसे अभी यहां पे हम लोगों ने क्रास टोपोग्राफी समझनी है, टॉपिक ये ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के पीछे थोड़ी सी केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, तो हम उनको रिलेट करके ये सब चीजें हमें एडवांटेज देगी आने वाले पेपरों में, चाहे आपको कोई भी पेपर हो उसमें ये मदद देने वाली है अगर उसमें क्रास टोपोग्राफी आपसे पूछी जाती है। इंडिया में क्रास टोपोग्राफी है ये भी हम लोग देखेंगे। चलो हम देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। क्रास टोपोग्राफी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्रास टोपोग्राफी इज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन ऑफ एनी लाइमस्टोन और डोलोमिटिक रीजन बाय द एडिशन ऑफ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, तो इसको अब हम समझते हैं। कहता है कि आपके पास मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है, ये आपके पास एक लैंड है, और डेफिनेटली लैंड जो है ये क्रस्ट का हिस्सा है, और ये किससे बना होगा, रॉक से बना होगा। कहता है कि अगर ये रॉक, अभी यहाँ पे लाइमस्टोन क्या होता है, और यहाँ पे डोलोमैटिक कहा है, उसका मतलब डोलोमाइट से, डोलोमाइट क्या है इसको भी समझेंगे। कहता है कि ये आपके पास जमीन का टुकड़ा है, ये हमने बना दिया जमीन का टुकड़ा, जो किससे बना है, चट्टान से। कहता है या अगर ये चट्टान, ये क्या कह रहा है, यहां पे चट्टान क्या है, या ये चट्टान लाइमस्टोन की चट्टान है, या फिर ये चट्टान जो है किसकी है, डोलोमाइट की है। अगर इस तरीके की ये चट्टान है, ठीक है, अगर ये इस तरीके की चट्टान है, जब ये पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, जब ये किसके कॉन्टेक्ट में आती है, पानी के कॉन्टैक्ट में आती है, तो पानी के कॉन्टैक्ट के आने की वजह से हम देखते हैं कि ये जो चट्टाने हैं ये वो पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, सॉल्यूशन बनाती है, और इसी वजह से इसकी इरोजन हो जाती है। इरोजन भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर जुड़े हैं उनको इरोजन नहीं समझ आ रही है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूंगा, डिटेल में पढ़ना होगा तो ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाइए, आपको इरोजन मिल जाएगा। तो इरोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी लैंड फॉर्म को, लैंड फॉर्म मतलब हम लैंड की बात करें तो जमीन, फॉर्म की बात करें तो जमीन में कोई, जमीन की कोई आकृति है, जैसे मान लें पहाड़ है, पठार है, कोई माउंटेन आ गया, कोई हिल आ गई, कोई प्लेटू आ गया, कोई गड्ढा आ गया, इन सबको क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म, ठीक है। जब हम देखते हैं कि कोई भी लैंड फॉर्म है या कोई जमीन का टुकड़ा है, जब उस पर मौसमी मार पड़ती है, मौसमी मार का मतलब क्या होता है, जब बारिश का पानी उस पर गिरता है, तो बारिश का पानी धीरे धीरे अपने साथ उसको, जो मान लो कि यहाँ पे एक पत्थर है, तो पत्थर को अपने अंदर घोल के या फिर पत्थर को तोड़ के अपने साथ बहा के ले जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है। किसी भी लैंडफॉर्म का कटाव या उसको डिस्ट्रॉय कर देना कुदरत के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है। सोइल इरोजन आपने सुना होगा कि धीरे धीरे पानी मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, तो क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। हवा कई बार क्या करती है, रेत का एक टीला है, लैंडफॉर्म है, जमीन का ये हिस्सा है, हवा उसको अपने साथ ले गई, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इरोजन किस तरीके की हो रही है, कि भैया पानी क्या कर रहा है, पानी इस चट्टान को अपने अंदर घोल ले रहा है। ये घोल क्यों रहा है इसको भी हम देखेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पानी इसको अपने अंदर घोल लेता है और घोल करके इसको इरोड कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे पानी ने इसको घोल लिया, तो पानी में ये घुल गया और पानी आगे बढ़ गया, पीछे यहाँ पे गड्ढा रह जाएगा, पीछे यहाँ पे गड्ढा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के गड्ढे को, ये जो गड्ढा बन गया, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्रास टोपोग्राफी है। या फिर हम, हो सकता है कि पानी अब यहाँ पे नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, और पानी जब नीचे की तरफ, पानी नीचे की तरफ चला गया जमीन के अंदर, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जाके पानी क्या करता है कि यहाँ पे जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये ग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब ये पानी आगे की तरफ बहने लगा, तो यहाँ पे इसने जमीन के नीचे क्या बना लिया, एक नदी बना ली, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज करता है पानी, ठीक है, चाहे अब अंडरग्राउंड वाटर है चाहे सरफेस वाटर है।
अंडरग्राउंड और वाटर और सरफेस वाटर में फर्क है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब क्या हो गया कि जो सरफेस से नीचे है, और सरफेस वाटर का मतलब जो सतह के ऊपर है। ठीक है, अब ये जो वाटर है, ठीक है, ये पानी, पानी जो है ये चट्टान को जब काटेगा, इरोजन करेगा, ठीक है, उस तरीके से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, उनको क्रास्ट टोपोग्राफी या क्रास्ट लैंडफॉर्म कहेंगे। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, अब अच्छा इसको पूरे तरीके से समझने के लिए ना हमें तीन टर्म्स का पता होना जरूरी है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखी, आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और ग्राउंड वाटर। ये तीन चीजों के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो अगर लाइमस्टोन की मैं बात करूं, ठीक है, और डोलोमाइट की बात करूं, ठीक है, तो इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में ये एक कंपाउंड होता है जो धरती में बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में, पूरी धरती का क्रस्ट जो है ना उसमें 4% तो आप लोगों को खाली क्या मिल जाएगा, खाली 4% पूरी धरती के क्रस्ट में आपको 4% तो कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोनों में रहता है। लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन के अंदर अलग अलग तरीके के पत्थर आते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा होगा कैल्साइट, कैल्साइट भी क्या है, CaCO3 है। एग्रोनाइट, एग्रोनाइट में भी काफी हद तक CaCO3 ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो दोनों है इनमें इसके अलावा कुछ और मिनरल्स भी होते हैं, पूरे तरीके से CaCO3 ही नहीं, खाली CaCO3 ही नहीं होता है, और भी कुछ मिनरल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, लाइमस्टोन। अगर मैं बात करूं डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट भी एक तरीके का पत्थर है, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये रहा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, एक तरीके का पत्थर है। हमने पत्थरों की क्लासिफिकेशन देखी थी, रॉक्स की, चट्टानों की क्लासिफिकेशन देखी थी, तो हमने देखा था कि सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक है ना, ये सारे रॉक रहते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारे पास लाइमस्टोन है, ये क्या है हमारे पास, लाइमस्टोन, ध्यान रखेंगे। तो एक चट्टान है जो कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी है ये, सेडिमेंट्री रॉक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री में भी हमने देखा था कि अलग अलग क्लासेस होगी, तो सेडिमेंट्री में भी कैसी है ये, सेडिमेंट्री में भी ये क्या है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब इसका ओरिजिन ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ये बनता कैसे, तो याद रखेंगे कि हमारे पास एक जू जेंथेलिया करके, जू जेंथेलिया करके, ठीक है, एक एल्गी होता है या एक ये जीव है जो पानी के अंदर रहता है। अब ये क्या करता है, जो पानी के अंदर समंदर में कोरल रीफ होते हैं ना, कोरल रीफ के ऊपर ये चिपक जाता है, और जब ये कोरल रीफ के अंदर चिपक जाता है ना, तो कोरल रीफ को ये क्या करता है, कोरल रीफ के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में आ जाता है। सिम्बियोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन में दो चीजें रहती हैं, दो तरीके के हम देखते हैं कि सिम्बियोटिक रिलेशन में हमेशा हमारे पास क्या रहते हैं, दो तरीके के हमारे पास जीव रहेंगे। एक जो जीव रहेगा उसको हम कहेंगे होस्ट, और दूसरा दूसरे को क्या कहेंगे, गेस्ट। गेस्ट वो रहेगा जिसके ऊपर दूसरी चीज चिपकी रहेगी, तो इस केस में गेस्ट क्या है, कोरल रीफ, और इसमें होस्ट क्या है, तो अगर मैं होस्ट की बात करूं तो यहां पे ये जो जू जेंथेलिया है, ये यहां पे क्या है, गेस्ट। अब ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं, ये कोरल रीफ के ऊपर ही जू जेंथेलिया चिपका रहेगा, और जब ये चिपका रहेगा तो इसको ये क्या करेगा, जू जेंथेलिया क्या करेगा, जू जेंथेलिया ये कोरल लीफ जो है, कोरल जो है, कोरल हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, पत्थरों की तरह होता है, लेकिन ये जीता जाता है, एक जानवर होता है। ठीक है, तो अब इसको अपनी न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए कोरल रीफ को किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जू जेंथेलिया पे, और जू जेंथेलिया पानी में देखो इधर उधर चला जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको जमे रहने के लिए एक सतह चाहिए, मतलब एक घर चाहिए, और घर क्या बनता है इसका, कोरल रीफ। तो अब हम देखते हैं इस तरीके के, देखो जब दो जीव जंतु आपस में कुछ इस तरीके के रिलेशन में है कि दोनों आपस में रह के एक दूसरे का फायदा करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कहते हैं इसको, सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से ले रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि जब ये कोरल रीफ ऐसे कर रहा होता है, तो कोरल रीफ जो जू जेंथेलिया से मिलने वाले न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स, बड़े सारे अलग अलग अपने न्यूट्रिएंट्स अपने लिए बनाता है। ठीक है, क्या नाम है, हम क्या काम ने, जू जेंथेलिया। ठीक है, तो लाइमस्टोन ज्यादातर ऐसे बनता है। अब जो ये लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या रहती है, हम देखते हैं कि यहां पे
यहाँ पे हमारे पास के लाइमस्टोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास रहेगी वो क्या रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहने वाली है लाइमस्टोन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा अब लाइमस्टोन की भी ना अलग अलग वेराइटीज हैं। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि अगर लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन क्या हुआ, हमने क्या कहा, इट इज अ ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक जो ज्यादातर कहां पे बनता है, जमीन के नीचे बनता है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट है। ये हमने देखा लाइमस्टोन होता क्या है। और कई बार हम देखते हैं कि लाइमस्टोन की भी कई तरीके की किस्में हैं, जैसे कैल्साइट और यहां पे आर्गोनाइट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट भी चट्टाने होती हैं। ठीक है, ये भी क्या है, सेडिमेंटरी चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने हैं, सेडिमेंटरी चट्टाने हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। इनका ओरिजिन जो है ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो डोलोमाइट है, ठीक है, अब ये जो डोलोमाइट है ये होता क्या है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और CaCO3 दोनों इसमें होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन दोनों में, डोलोमाइट और लाइमस्टोन में, क्या ऐसी चीज कॉमन है कि ये क्रास टोपोग्राफी बनाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि क्रास टोपोग्राफी वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें कॉमन है ये देखो कैल्शियम या मैग्नीशियम। ये देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो दोनों को अगर केमिकली देखें तो इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम केमिस्ट्री की बात करें तो सेम फैमिली से आते हैं, सेम इनकी प्रॉपर्टी रहती है। इसके अलावा देखो और भी कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे चोक आ गया हमारे पास। ठीक है, आपने सुना होगा चोक, तो जो चोक है, चोक का जो पत्थर होता है ये कुछ और नहीं, ये प्योरेस्ट स्टेट है। ये क्या है, कई जगह पे आपको मिलेगा कि चोक टोपोग्राफी भी कहते हैं, तो कुछ नहीं है, प्योरेस्ट स्टेट है किसकी, लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन की प्योरेस्ट स्टेट का मतलब क्या हो गया कि चोक में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हमने यहां पे देखा ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग, यहाँ पे कैल्साइट है, आर्गोनाइट है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोन जो कैल्साइट और आर्गोनाइट है इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा थोड़ी कम रहती है, सबसे ज्यादा किसमें रहती है, चोक के अंदर रहती है। किसके अंदर रहती है, चोक के अंदर रहती है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, इसके अलावा देर इज अनदर रॉक जिसमें हम देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ये देखें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है, उसको कहते हैं मार्बल। लेकिन मार्बल जो है ये हम देखते हैं टर्सरी तरीके का रॉक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारे पास मेटामोर्फिक रॉक आ जाता है, इट इज अ मेटामोर्फिक रॉक। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामोर्फिक रॉक है भैया, ये जो रॉक है ये सालों साल जब सेडिमेंटरी रॉक पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है उसके बाद बनता है मेटामोर्फिक रॉक। और इसकी अगर अगर आप देखोगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बदल जा, वो अलग हो जाती है सेडिमेंटरी रॉक से। ये बना बेशक लाइमस्टोन से होगा जो व्हाइट मार्बल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। ठीक है, तो जो क्रास्ट टोपोग्राफी है, ये क्रास्ट टोपोग्राफी के जो हम देखते हैं ये कौन कौन से पत्थर दिखाएंगे, या तो चोक दिखाएगा, चोक इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये क्या है, लाइमस्टोन का ही एक क्या है, हम देखते हैं वेरिएंट है, या वे कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म है लाइमस्टोन की, या फिर डोलोमाइट दिखाएगा। डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन से ही हम लोगों को क्या मिलेगी, इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, इसके अलावा कोई पत्थर नहीं दिखाएगा, मार्बल नहीं दिखाएगा। हो सकता है हमारे पास ऐसे कुदरत में पत्थर हो जिनमें कुछ परसेंट, ठीक है, सम अमाउंट, मान लो 20% या 10% या 30% हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो, वो यहां पे नहीं दिखाने वाले हैं आपको इस तरीके के लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन। इस तरीके का लैंडफॉर्म जो है तभी बनेगा, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट के मुताबिक 70% से ज्यादा, कम से कम 70% से ज्यादा अगर किसी पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तभी इस तरीके के लैंडफॉर्म बनेंगे। अब यहां पे बात आती है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ज्यादा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि भैया ये दोनों जो है ना ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं।
ठीक है, और पानी के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे उसको कार्बोनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये पानी के साथ कार्बोनेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये पानी में घुल जाते हैं, तो वो स्पेशल तरीके की जो भी फिनोमेना होते हैं उनको आगे देखेंगे, अभी वापस आते हैं। तो यहां पे आई होप आप लोगों को ये टर्म्स, दो टर्म्स समझ आ गई होंगी। पहली टर्म क्या है, लाइमस्टोन, और दूसरी क्या है, डोलोमाइट। कुछ और नहीं है, चट्टानों के नाम है, ये अलग स्पेसिफिक तरीके के पत्थर हैं। अब यहां पे एक चीज है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर। तो यहां पे लिख सकते हो, ग्राउंड वाटर इज वाटर अंडरग्राउंड इन अ सैचुरेटेड जोन बीनीथ द लैंड सरफेस। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कहना क्या चाहते हैं, लेट्स सी। अब यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब बारिश हुई, अब देखते हैं कि बारिश होने के बाद क्या क्या हो सकता है। यहां पे बादल था, बादल ने बरसात करी, बरसात करने के बाद जो पानी है वो जमीन पे आके गिर गया। अब अगर हम देखते हैं यहां पे जो चट्टाने, होना क्या चाहिए, पानी जब यहां पे गिरेगा तो गिर के आगे यूं बहना शुरू करेगा, क्योंकि चट्टाने पानी को अंदर नहीं जाने देती है, अक्सर हमने ये देखा है। तो यहां पे क्या बनेगी, नदी बनेगी, और नदी जो है ये पानी है कहां पे, सरफेस पे। ठीक है, इस लैंड के सरफेस पे पानी है, तो हम क्या कहेंगे इस पानी को, सरफेस वाटर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो पोरस होती है। पोरस रॉक्स का मतलब क्या होता है, उनके अंदर पोर्स होते हैं, उनके अंदर छिद्र होते हैं, इस वजह से उनकी परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उनकी परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी है, या हवा को या पानी को वो अपने थ्रू परमिट करता है आर पार जाने के लिए। तो हम देखते हैं पोरस होने की वजह से कुछ रोग किसके पास क्या प्रॉपर्टी रहती है, परमियाबिलिटी की। और ये जो पत्थर है मेरे पास, कौन से पत्थर है, ये आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, और इसी में भी हम चौक भी देखते हैं, कई बार चौक टोपोग्राफी भी कहते हैं। अब यहां पे होता क्या है कि पानी जो है वो परमिट हो जाता है जमीन के आर पार जाने के लिए, तो पानी यूं अंदर चला जाता है। और पानी जब यूं अंदर चला जाता है तो धीरे 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 अंदर जाके क्या होता है, अब देखो यहां पे नीचे जो पत्थर है, अब यहां पे नीचे जो पत्थर आ गए, पानी अंदर रिस्त हो गया, लेकिन नीचे जो पत्थर है, ये पत्थर कैसे हैं, ये पत्थर हार्ड है, इनकी परमेबिलिटी बहुत कम है या ना के बराबर है, ये पानी को फर्दर अंदर नहीं जाने देंगे। तो अब पानी क्या करेगा, जो जमीन के नीचे पानी है वो यहां पे, अब यहां पे देखो, अब एक तो परमेबिलिटी है, ठीक है, और दूसरी अगर ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट है तो ये क्या करेंगे, लाइमस्टोन और डोलोमाइट पानी में घुल जाएंगे, तो पानी में घुल जाएंगे तो पानी ही पानी का हिस्सा बन जाएंगे, पानी का सोल्यूशन बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड नहीं कह सकते, सोल्यूशन बन जाएगा। हम देखते हैं इसी वजह से अंदर यहां पे खोखला खोखली सी जगह बन जाएगी, और इस खोखली जगह में पानी भर जाएगा। अब ये जो पानी भरा है ये कहां पे है, जमीन के नीचे, और पानी ग्राउंड के नीचे, पानी अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड के सरफेस के नीचे जो पानी हो गया वो क्या हो गया, अंडरग्राउंड वाटर। आई होप आप यहां पे अंडरग्राउंड वाटर को भी समझ गए होंगे कि अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहां पे ये तीनों टर्म्स देख ली है ना, और हमने ये देख लिया कि जो ये खास तरीके के पत्थर हैं, इन पत्थरों पे जब हम देखते हैं कि क्या होता है, हम देखते हैं पानी चाहे सरफेस का है चाहे ग्राउंड का रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्रॉस टोपोग्राफी बनती है। अब इसमें होता क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैं कुछ ये फोटो दिखा लूं। देखो ये, देखो ये फोटो, यहां पे क्या था, अभी आगे देखेंगे ये है क्या, यहां पे क्या था, एक जमीन का टुकड़ा था, ये बड़ी बड़ी जो चट्टाने, छोटी चट्टानों को इमेजिन मत करो, ये बहुत बड़ी चट्टान है, पूरा पहाड़ है। ठीक है, ये चट्टान किससे बनी थी, लाइमस्टोन से बनी हुई थी। जब इसके ऊपर देखो यहां पे पानी गिरा तो पानी ने इसको अपने अंदर घोल लिया और छेद बना दिया इधर, इस तरीके की टोपोग्राफी पढ़ने वाले हम लोग। यहां पे आप देख सकते हो, ये पानी ने क्या कर दिया, पानी यहां से देखो अंदर घुस गया, पानी क्या कर गया, यहां से अंदर घुस गया। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पानी ने छेद कर दिया, ये देखो यहां पे पानी ने छेद कर दिया, बाद में पानी अंदर घुस गया। अब ये जो पानी ही जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे क्या बन जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा। अब ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ने वाली, ये जो गड्ढे हैं ये किसी, हम देखते हैं कि कोई उल्का पिंड से नहीं बने, या हल्क नहीं आया तो उसने मुक्के मार दिए, यहां पे कैसे बने हैं ये गड्ढे, ये गड्ढे पानी ने बनाए हैं, और अब कैन यू इमेजिन, ये पानी ने सारा कुछ बनाया है। तो इन सब चीजों को हम लोग आगे देखने वाले हैं, इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, जो यहाँ पे चीज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, चलो फटाफट से देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे हम देखते हैं क्रास्ट, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग क्रास्ट, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कास्ट वर्ड जो है ये आया कहां से, ठीक है, ये जो वर्ड है कास्ट ये आया कहां से, ठीक है। तो कास्ट वर्ड जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक जिला है, कास्ट क्या है, एक जिला है, कहां पे पहले एक देश हुआ करता था, नाम था उसका युगोस्लोविया, ठीक है, युगोस्लोविया एक देश हुआ करता था। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये जो देश है ना इसको हम क्या कहते थे, युगोस्लोविया, ठीक है। ये देखो ये जितने भी आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मर युगोस्लोविया, ये जो हरे रंग के जितने भी आपको देश दिख रहे हैं अभी आज की डेट में ये यूरोप के अलग अलग देश हैं, लेकिन कभी ये एक ही हुआ करते थे और इनको क्या कहते थे, युगोस्लोविया। अब इसी युगोस्लोविया को आप देखोगे, ठीक है, तो ये है कहां पे, अगर इसको थोड़ा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपने क्या याद रखना है, युगोस्लोविया जो है ये देखो, अगर मैं आपको दुनिया के वर्ल्ड मैप की बात करूं, ठीक है, जरा मुझे एक सेकंड देंगे, तो अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो यहां पे कुछ कॉन्टिनेंट्स देखेंगे, ये आपको दिखेगा अफ्रीका का महाद्वीप, ठीक है, ये आपको दिख गया अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां पे यूरोप है, यहां पे आपको क्या दिखेगा, यूरोप दिखाई देगा, ठीक है। ये पुर्तगाल और स्पेन आ गया, जो हम देखते हैं जिब्राल्टर की खाड़ी से, जिब्राल्टर की खाड़ी नहीं कहेंगे, जिब्राल्टर के स्ट्रेट से अलग किया जाता है, और यहाँ पे भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, मैं MS लिख रहा हूँ, ये है। अब मेडिटेरियन सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे एक आपको पेनिसुला मिलेगा, इटालियन पेनिसुला कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इटालियन पेनिसुला कहते हैं। इसके आगे एक और पेनिसुला है जिसको हम क्या कहते हैं, बाल्कन पेनिसुला, क्या कहते हैं, बाल्कन पेनिसुला। तो इसी की हम बात कर रहे हैं, बाल्कन पेनिसुला से, किसकी बात कर रहे हैं, बाल्कन पेनिसुला से। अपने घर से कितना दूर है तो वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो यहाँ पे हमारे पास ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गया, ठीक है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आगे यहाँ पे आप देखोगे अरब है, अरब में यहाँ पे ओमान और यमन है, ऊपर अरेबिया UAE ये सब देश आ गए, यहाँ पे ईरान है, ईरान के आगे आप पाकिस्तान, और ये हमारा खुद का घर इंडिया। तो हम यहाँ पे इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हमने देखा कि ये क्या है, ये युगोस्लाविया एक देश था, ये है कहां पे, ये बाल्कन पेनिसुला में, बाल्कन पेनिसुला में ही ग्रीस आता है, ये सारी हम देखते हैं टर्की का एक छोटा सा जो एशिया माइनर वाला हिस्सा है वो आता है, बहुत सारे देश आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्रोशिया, स्लोवेनिया, ठीक है, ये सारी जगहें कहां पे आती है, बाल्कन पेनिसुला में आती है। यहीं पे एक हम देखते हैं जिला है जिसका नाम क्या है, क्रास्ट, उसी जिले के नाम पे इस टोपोग्राफी का नाम पड़ा, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तरीके की टोपोग्राफी को स्टडी करा तो उसी जिले में करा था। और ये टोपोग्राफी मिलती कहां पे है, तो ये जो बाल्कन रीजन है ना, यहाँ पे आपको क्रोशिया देश मिल जाएगा, स्लोवेनिया देश मिल जाएगा, इवन इटली में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखना एक सी है एड्रैक्टिक सी, ठीक है, इटली के बगल में तीन सी हैं, ठीक है, एक आ गया एड्रैक्टिक सी, एड्रैक्टिक सी अब याद रखोगे तो इटली के और किसके बीच में है, हम देखते हैं एक साइड इटली और एक साइड बाल्कन पेनिनसुला। इटली के नीचे आप देखोगे आयनियन सी मिलेगा, इस तरफ टेरेनियन सी मिलेगा। तो एड्रैक्टिक सी के अगर मैं बात करूं, ये वाला छोर है, ईस्टर्न छोर पे जो देश है वहां पे हम लोगों को इस तरीके की टोपोग्राफी मिलती है, बाल्कन एरिया में। वहीं पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो बाल्कन रीजन में एड्रियाटिक सी के पास एक जिला है जिसका नाम क्या है, क्रास्ट, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा। या फिर कुछ और भी इसके पीछे हम लोग देखते हैं कि वजहें हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो एक लैंग्वेज है, पैलियो यूरोपियन, शब्दों को तोड़ेंगे, पैलियो का मतलब पुराना, यूरोप की जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे ग्रीक, और अगर मैं बात करूं लैटिन, तो यहां पे आप मैप पे देख सकते हो, अगर मैं पीछे जाऊं, यू कैन सी ये है आपका ग्रीस, और साथ में बगल में ये है इटली, ठीक है। इटली में बोला जाता था लैटिन लैंग्वेज को, ग्रीस में बोला जाता था ग्रीक लैंग्वेज में। इन लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे तो यहां पे कारा वर्ड, ग्रीक वर्ड में कारा मतलब क्या है, स्टोन या रोक, और अगर मैं दूसरा वर्ड बात करूं लैटिन की, मैं बात करूं तो उसका मतलब यहां पे क्रोसेडियस, क्रोसेडियस का मतलब क्या है, पत्थर। तो जब लोगों ने ये जिला है क्रास्ट खासकर यहां पे अजीब से पत्थर देखे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं कि इन अजीब पत्थरों की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे पत्थर देखे जैसे अमरनाथ की गुफा में है या बाकी इस तरीके के, जब लोगों ने पत्थरों को देखा तो लोगों ने कहा भैया ये तो अजीब पत्थर है, अलग ही तरीके के पत्थर है। तो ये तो इसी इन्हीं पत्थरों को वो क्या कहने लगे, क्रास्ट कहने लगे, जगह का नाम क्रास्ट पड़ गया, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि जो ये पूरी की पूरी जगह है इसका नाम क्रास्ट पड़ गया, और यहीं पे ही इन पत्थरों को वैज्ञानिक खोजते हैं
और इन्हीं जगह इसी जगह के नाम पे इस टोपोग्राफी का नाम पड़ जाता है क्रास्ट टोपोग्राफी। तो ये हमने देख लिया कि इस जगह का नाम क्रास्ट टोपोग्राफी क्यों पड़ा। अब अगले देखो, आज का हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो ये केमिकल रिएक्शन से पूरा समझेंगे कि इस तरीके के लैंडफॉर्म बनते क्यों हैं और ये कितने तरीके के अलग अलग लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज अभी आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोग अलविदा लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा एक जगह पे मटेरियल नहीं मिलेगा, आज किसी भी एग्जाम की बात कर लो, वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव होने वाली चीज़ें। ठीक है, जो क्लैरिटी है ना वो आने वाली है। अगर आपको एग्जाम में क्रास्ट टोपोग्राफी तैयार करके जाना है तो आई रिकमेंड यू दिस कि आप पूरा का पूरा यहाँ पर लेक्चर को अटेंड करके जाएं। चलो इसी के साथ आज के लेक्चर से लेते हैं विदा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये क्रास्ट टोपोग्राफी बनती कैसे हैं और अलग अलग लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं।